नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु सुनील। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदार पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब अफगानिस्तान सरकार के कब्जे में सिर्फ राजधानी काबुल और कुछ अन्य हिस्से ही बचे हैं। वहीं आपको बता दें, तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करके दावा किया है कि कंदार को पूरी तरह से जीत लिया गया है। मुजाहिदीन शहर में मार्च स्क्वायर पहुंच गए हैं। बता दें, उधर अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजेगा और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकी दूतावास में फंसे लोगों को बाहर निकालेगा। आपको बता दें, पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने बताया कि 3 बटालियन काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पहुँचेंगी, जिसमें तकरीबन 3,000 सैनिक होंगे। ये अस्थायी मिशन है और इसका लक्ष्य छोटा है। हमारे कमांडर्स को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और उन पर किसी भी तरह के हमले का पुख्ता जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि किर्बी ने आगे कहा है कि 3,000 सैनिकों के अलावा कुवैत में तकरीबन 3,500 सैनिक स्टैंड बाई में रहेंगे, जो कि अफगानिस्तान में सैनिकों को किसी भी तरह की मदद मुहैया कराने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त 1,000 सैनिक कतर रवाना होंगे, जो कि स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा में मदद करेंगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने भी 600 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है, जो कि ब्रिटिश नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस खबर फिलहाल इतना ही। बनरिया बनरिया हिंदी के साथ।